आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल, उल्हासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303-00005। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। सिटी प्रेस क्लब उल्हासनगर की तरफ से कैंप नंबर 3 टाउन हॉल में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां संतों के हाथों शहर व सिंधी समाज के उद्योगपतियों, बिल्डरों, एडुकेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों, एडवोकेट, पत्रकारों, समाज सेवकों आदि कई जानी मानी हस्तियों का सम्मान किया गया। जब शहर का कोई सामाजिक अतिथि मंत्री रविंद्र चौहान का शानदार सत्कार हुआ। यहां मंत्री रविंद्र चौहान ने लुप्त होती सिंधी भाषा को बचाने के लिए कार्य करने की बात सिटी प्रेस क्लब व सिंधी समाज से कही। इस कार्यक्रम में आज सिटी क्लब के सभी जो सभासद हैं, जो प्रमुख हैं, उन सभी ने आज के इस वर्धापन दिन में मुझे यहाँ पर न्योता दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दो चीज उल्लासनगर में हर वक्त जो गाना भी गाया गया था, दोस्ती मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर निभाई है, बहुत सारों को मालूम भी है, लेकिन दो चीज ये लोग जब मुझे न्योता देने आए थे तभी मैंने उनके साथ में जो शेयर की थी, उनसे बात की थी, वो बताना चाहता हूँ। उल्लासनगर ये शहर व्यापारियों का शहर ऐसे लोग कहते हैं और पूरे दुनिया में सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, उस वजह से ये शहर और शहर की ख्याति है। इस शहर में सिंधी लोगों ने बहुत बड़ा ये शहर का, शहर की बढ़ोतरी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ये भी सब लोग कहते हैं। लेकिन दो चीज यहां पर होनी चाहिए कि ये सब सिटी क्लब के सभी पत्रकार प्रिंट मीडिया से है, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, 40 साल में ये सब लोगों ने बहुत अच्छी सेवा पत्रकारिता में दी, लेकिन एक बात की बहुत जरूरत जिस चीज की है कि हम सभी लोग, हमारे बच्चे, सभी लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। धीरे धीरे ये जो तुम्हारी भाषा है, सिंधी भाषा है,
जो इनके अखबारों में लिखी जाती है। ये पढ़ने वाले लोग ये लुप्त होते जाने की, आपके साथ में, आपके पीढ़ी के साथ में ये लोग कम होते जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हर उस व्यक्ति को उसके भाषा के लिए अभिमान होना चाहिए और आप सभी ने प्रयत्न करना चाहिए कि ये हम हमारे बच्चों को ये सिंधी भाषा जो है लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, तभी ये भाषा जो है वो जीवित रहेगी, अन्यथा ये सब चीज मिट जाएगी। भाषा का सम्मान करना ये काम जो है आज इस वर्धापन दिन के मौके पर अगर हम संकल्प कर पाए कि सिंधी भाषा उसके संवर्धन के लिए मैं आपसे 10 जन को 10 बच्चों को मैं सिंधी भाषा सिखाने का प्रयत्न करूंगा। जब मैंने इन सभी लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे कुछ ऐप है कि जो ऐप में सिंधी भाषा और सिंधी भाषा किस तरीके से पढ़नी लिखनी चाहिए इस बारे में भी जानकारी है, तो रेडीमेड मटेरियल हमारे पास है, लेकिन हम इस बारे में अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो तकलीफें बढ़ती जाएगी। ये शहर की पहचान सिंधी लोगों का शहर ऐसी है, शहर के बहुत सारे लोग शहर के बाहर जाने शुरू हो गए हैं। अभी ये सब ठिकाना ये तुम्हारे हाथ में है और जब हम इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो मैं आप सभी को बताता हूं कि ये एक अलग तरीके से लोगों में सम्मान की बात होगी कि मुझे सिद्धि आती है, मैं पढ़ता हूं, मैं लिख रहा हूं। ये जब तुम करने शुरू कर दोगे तो उसका एक अलग आनंद तुम्हें मिलेगा। आप सभी लोग अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हो ये मुझे मालूम है, लेकिन भाषा के लिए कुछ करोगे तो आपके पूर्वज भी आपको बहुत दुआ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के सिटी क्लब के इस वर्धापन दिन के अंदर ये संकल्प लेना ये आप सभी के लिए और हम सभी के लिए कि इस संवर्धन के विषय में मैंने कुछ किसी को कहा और किसी ने विषय लिया और कुछ काम करना शुरू किया, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। मेरा सम्मान आप लोगों ने किया, अगर मुझे सचमुच मेरा सम्मान करना है तो सिंधी भाषा के लिए कुछ काम करना शुरू करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 8 जनवरी को टाउन हॉल में सिटी प्रेस क्लब के 15वें वर्धापन दिवस का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे उल्लासनगर शहर के सभी गणमान्यों का स्वागत व सत्कार किया गया, जिसमें डॉक्टर व वकील और राजनेता, बिल्डर, व्यापारी, सभी गणमान्यों का सिटी प्रेस क्लब और संत महात्मा खासकर जो आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने जितने भी समाज के सिंधी समाज है सभी समाज के लोगों का स्वागत किया गया। हमारे राज्य कैबिनेट मिनिस्टर श्री रविंद्र चौहान ने आके हमें आशीर्वाद दिया और जिन जिन भी शहर के नेताओं ने हमें अपना सहयोग दिया है उन सबका सिटी प्लेस क्लब की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं। आज जो इतना भव्य फंक्शन हुआ, जो इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारे सहयोगी किशोर पिंजानी, हीरो बोदा, राजेश हरचंदानी, पवन साबलानी, मनीष नारा और मैं टोनी लालवानी, इन सबों के आर्थिक प्रयासों से इन्होंने पिछले एक महीने से दिन रात एक कर दिया इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, और इन्होंने
जो काम अपने हाथ में लिया और एक शहर को जो संदेश दिया वो बहुत ही अच्छा दिया। कार्यक्रम में हर वर्ष संतगण आते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। इस साल भी संतगणों ने हम पर आशीर्वाद बरसाया। इसी के साथ ही शहर की कई जानी मानी हस्तियाँ प्रोग्राम में पधारी और उनका भी सम्मान किया गया। हम सिटी प्रेस क्लब की तरफ से संत समाज व जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, हम उन सभी के आभारी हैं। जय झूलेलाल। आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल, उल्हासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303 00005।